देश भर में अचानक से नमक खत्म होने की अफवाहें उड़ने लगी। लोगों को एक किलो नमक के लिए 400 रुपए तक देने पड़े। हालांकि सरकार ने अफवाहों को नकारा और कहा कि नमक की कोई कमी नहीं है। सरकार ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट के इस्तेमाल करने की सीमा 72 घंटे और बढ़ा दी है। रेलवे टिकट बुक करने जैसी सार्वजनिक सेवाओं में इन्हें खर्च किया जा सकता है। भारत और जापान के बीच असैन्य परमाणु करार समझौते पर मुहर लग गई है। आरबीआई ने लोगों की परेशानी पर कहा कि बैंकों के पास पर्याप्त नकदी है, सभी का पैसा बदला जाएगा, लोग धैर्य रखें।